शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सलोमी, तुम यहाँ क्यों? तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान हो या परेशान? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और तुम मुझसे मिल नहीं सकते, तो ये है तुम्हारी वो इम्पोर्टेंट मीटिंग, राइट? सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। देखो देखो सलोनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो यार? बस मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जो कुछ भी सुनना था ना, मैं अभी अभी सुन चुकी हूँ। तुम अभी अभी ऋतु से यही कह रहे थे ना कि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी धड़कन हो। काफी अच्छी लाइंस रख ली है तुमने। यही सब तुम मुझे भी कहते थे ना। और कितनी लड़कियों को तुम ये सब कहते हो? हाँ, और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बहुत जल्द ऋतु के साथ शादी करने वाले हो ना। एंड माइंड यू ऋतु, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, विक्रम मेरे घर पर आने वाला है अपने माँ बाप को लेकर मेरा हाथ मांगने। जवाब दो विक्रम, क्या जो सलोनी कह रही है वो सच है? Say something. ये क्या जवाब देगा? जवाब हम देते हैं ऋतु, ये जिसकी झूठी प्यार भरी बातों में तुम दोनों बह गई थी, जो अब तक तुम दोनों की भावनाओं से खेलता रहा, ये है इसकी असलियत। हम तो भगवान के शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमें इसकी असलियत दिखा दी। ना ये तो तुम दोनों को, तुमने ये बहुत गलत किया, बहुत गलत किया ये तुमने। क्या तुम्हारी जिंदगी मेरी इतनी अहमियत थी? Don't cry. ये इस तरह के मिडिल क्लास लड़कियों के लिए है ना, बस इनसे बस थोड़ी सी प्यार भरी बातें कर लो, हंस लो, घूम लो, फिर लो, उसे लव समझ बैठती है। ये कोई मॉडर्न टॉप पहनने से को लड़की मॉडर्न नहीं हो जाती। सब पैसों का खेल है, सब पैसों का। बस विक्रम, इतने घटिया लड़के निकलोगे ना, मुझे नहीं पता था। मैंने तुम्हें अपने दिल से चाहा था और तुमने मेरे दिल के साथ ही धोखा किया। मिस्टर विक्रम, मैं कोई दिल बहलाने की चीज नहीं हूं, डू यू अंडरस्टैंड दैट? और तुम मुझे क्या छोड़ोगे? आज मैं सबके सामने तुम्हें अपने दिल से अब
अपनी जिंदगी से निकालती हूँ समझे। तो सलोनी प्लीज हमें गलत मत समझना, हमारा इरादा तुम दोनों को दुख पहुंचाने का नहीं था बल्कि आने वाले दुख से बचाने का था। सलोनी विक्रम को एक्सपोज करना बहुत जरूरी था वरना वो तुम दोनों की जिंदगी से खेलता रहता। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताते रितु, तुम विक्रम के प्यार में इस तरह से डूबी हुई थी कि तुम हमारा विश्वास ना करती। और सलोनी जब पहली बार हमने तुम्हें विक्रम के साथ देखा तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि वही विक्रम है। हम तो तुम्हें तब भी समझाना चाहते थे लेकिन हमें मालूम था कि तुम जरूर हमें गलत समझोगी। और विक्रम जैसे चालाक लड़के को तो रंगे हाथों ही पकड़ा जा सकता था, इसलिए आज हमने तुम्हें एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया। थैंक यू रानी, आज तुम्हारी वजह से विक्रम की असलियत मेरे सामने आ गई वरना शायद बहुत देर हो जाती। रानी तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती है ना ये इसी तरह की होती हैं। बस इनसे बस थोड़ी सी प्यार भरी बातें कर लो, हंस लो, घूम लो, फिर लो, इसको प्यार समझ बैठती है। सब पैसों का खेल रही थी, सब पैसों का। मिस्टर विक्रम, आज मैं सबके सामने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालती हूँ समझे। सलोनी विक्रम को एक्सपोज करना बहुत जरूरी था वरना वो तुम दोनों की जिंदगी से खेलता रहता। प्लीज हमें गलत मत समझना, हम तो तुम्हें तब भी समझाना चाहते थे, हमें मालूम था कि तुम जरूर हमें गलत समझोगे। जानते जो कुछ भी है उसके लिए तुम बहुत दुखी हो लेकिन सलोनी जरा सोचो कि अगर तुम्हें इस बारे में पता नहीं चलता तो कितनी बड़ी बात हो सकती थी। विक्रम तो तुम्हारी और रितु की इमोशंस के साथ खेलता ही रहता ना। भाभी भाभी प्लीज आप इस बारे में घर में किसी को मत बताइएगा, राज भैया को तो बिल्कुल नहीं। ठीक है हम किसी को नहीं बताएंगे लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस? तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस बात को हमेशा के लिए दिल से निकाल दोगी। हम नहीं चाहते कि किसी धोखेबाज की वजह से हमारी सलोनी की मुस्कुराहट हमेशा के लिए चली जाए। प्रॉमिस? प्रॉमिस। भाभी भाभी आई एम रियली सॉरी भाभी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी आपकी कोई बात नहीं मानी और आपको कितनी बुरी बातें कही। नहीं सलोनी हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, जो कुछ भी हुआ भले के लिए हुआ। चलो आज से हम भाभी और ननंद का रिश्ता भूलकर दोस्त बन जाते हैं, ठीक है? तुम्हें भूख लग रही होगी ना, खाना खा लो।
कब आए? बस अभी। छोड़ो ना, कोई देख लेगा। अरे तो क्या हुआ, मैं किसी से डरता थोड़ी ना। छोड़ो ना। वो एचएससी का रिजल्ट निकल गया है, सलोनी कहाँ है? आज एचएससी का रिजल्ट लेने के लिए गई है, किधर है वो? पास होने की खुशी में दोस्तों को पार्टी दे रही होगी। आपकी लाडली 400-500 रुपए का खर्चा करा बिना घर थोड़ी आएगी, है ना? आइए, आने दो। वैसे बता रहे हैं, हमने हलवा भी बनाया है। इसे अपने हलवे की पड़ी। अरे तेरा हलवा भी खा लेंगे सब लोग। बस दुआ करो सब लोग कि अच्छे नंबरों से पास हो जाए। अच्छा, सबको मिठाई भी बांटनी है। अच्छा ये बताओ, बेटा क्या परसेंटेज है? देखो मुझे दीजिए आप, क्या देखिए। अरे लो, मैं तब से बैठा हूँ। देख लीजिए, हाय हाय, ये क्या? हम लोग सोच रहे थे कि अच्छे नंबर लेकर आएगी, इसमें तो नंबर ही नहीं है। फेल होकर आई है मनीष। अरे बेशर्म, हम लोगों के सामने ढोंग क्यों करती रही देर रात पढ़ने का? अरे माँ, क्या फर्क पड़ता है? मैं हूं ना सारा खर्चा उठाने के लिए, मैं फीस भरता रहूंगा, ये फेल होती रहेगी। दोबारा पूरे साल की फीस भरो, पैसों का पेड़ लगा के रखा ना मेरे आंगन में। वैसे बता रहे, फोन पे बातें कम और पढ़ाई थोड़ी ज्यादा करती तो जरूर पास हो जाती। बहुत थोड़ी पढ़ाई लिखाई। माँ मेरी बात सुनो, इसे घर में रखो, खाना वाना बनाना सिखाओ, कोई ढंग का लड़का मिले इसकी शादी करवा दो। बिल्कुल ठीक कह रहा तू। अरे आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? माना कि इसे फेल नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर आप होगी तो दोबारा एग्जाम दे देगी, कम से कम ग्रेजुएशन तो पूरी करनी चाहिए। कोई बात नहीं, मेहनत करेगी, अगली बार पास हो जाएगी। अरे क्या बात करते हो, मेहनत कर लेगी, जब दिल ही नहीं है उसका पढ़ाई में तो कहां से मेहनत करेगी? सारा दिन अपने आप को आईने में देखती रहती है, पता नहीं क्या देखती है आईने में। क्यों नाराज होती हो सुरेखा? तुम भी तो इस उम्र में आईने में देखा करती थी कि नहीं? अरे पहले समझाना चाहिए था, तुम्हारा फर्ज बन जाता था कि मुझे मेरा फर्ज मत बताइए। सारा दिन मुंह पर अखबार रखने से बाप का फर्ज पूरा नहीं हो जाता। मेरी एक बात जरा आप लोग सुन लीजिए, अब कोई मुझसे ये उम्मीद ना रखे कि पूरे साल की फीस मैं एक बार फिर से भरूंगा। जिसे शौक है सलोनी को ग्रेजुएट देखने का, वो पैसों का इंतजाम कर ले। सलोनी प्लीज, परेशान होना, रिजल्ट अच्छा नहीं आया इसलिए, पर ऐसे हार मानने से कैसे काम चलेगा? हाँ मैं तुमसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। पता है सलोनी, जब मैं नया नया मुंबई आया था ना, तो मैंने भी जॉब के लिए कई जगह पे इंटरव्यू दिए थे, 20 में भी 25 भी, पर हर जगह से रिजेक्शन का लेटर आता था।
मैं भी बहुत मायूस हो गया था। मेरी हालत भी बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसे जैसे कि आज तुम्हारी है। पर मैंने अपने दिल को समझाया कि हमें असफलता से घबराना नहीं चाहिए, हमें उसे सीख लेनी चाहिए कि हमसे कहाँ कमी रह गई और फिर से ट्राई करना चाहिए। कहते हैं ना कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। सलोनी, तुम भी अपने फेलियर को पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखो। एक बात तो मैं बताना भूल गया, वैसे मैं भी बहुत अच्छा ट्यूटर हूँ और गारंटी देता हूँ कि तुम्हें पास करवा के दिखाऊंगा। वैसे दोस्त तो तुम मुझे अपना बनाना नहीं चाहती, ट्यूटर ही बना के देख लो। शुरू करनी पड़ेगी। और इस बार तो मुझे मन लगाकर पढ़ना है क्योंकि इस बार मुझे फेल नहीं होना। अरे तो क्या हुआ, इकट्ठे बैठ के पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है ना, चल बाय, आई विल कॉल यू। ओके बाय। हाय सलोनी। ये क्या? अब मेरी बात भी नहीं सुनोगी? तुम्हारा रिजल्ट पता चला मुझे, प्लीज सर। तो क्या हो गया, पढ़ाई नहीं कर सकती हो तो यार, तुम्हें कौन सा जॉब करना है? अरे कम ऑन, अब इसमें इतनी नाराजगी की क्या बात है यार? इट्स ओके, फॉरगेट इट। देखो ये छोटी मोटी बातें सब होती रहती है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम मुझे फोन का नहीं कर रही। देखो विक्रम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और मुझे फोन करने की कोशिश मत करना, समझे? लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है यार, आई कांट लिव विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ यार, और मेरे और रितु का बीच में कोई चक्कर नहीं चल रहा है। ओके आई स्वेयर, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। देखो विक्रम, मुझे यहाँ से जाना है और तुम मेरा रास्ता नहीं रोकोगे। तुम लीव मी, ओके? मैं तुम्हें मनाए बिना नहीं जाने दूंगा यहाँ से। लड़कियों के हाथ विक्रम के गालों को सहला तो सकते हैं पर उन्हें चाटा नहीं मार सकते। देखो प्लीज मुझे जाने दो। सलोनी, विक्रम की जिंदगी में लड़कियां आती भी उसी की मर्जी से हैं और जाती भी उसी की मर्जी से। इट इज क्लियर हियर, ओके? और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। देखो मुझे जाने दो, लेट मी गो। यू नो गोइंग एनीवेयर? जाना चाहती हो तो ठीक है, यू कैन गो, लेकिन ये देखती भी जाओ। जाओ, लेकिन यू टेक द सीडी। हाँ तो पकड़ो ना इसे, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। तुम जाओ अपने घर के उस ड्राइंग रूम में, छोटा सा ड्राइंग रूम, छोटा सा एसी, इसी में जाके देखो और मुझे ये फ़ोन करके बताओ कि मेरा डायरेक्शन कैसा था। इसमें हमारे सीन्स हिट भी हैं और हट भी। खैर तुम मेरी बात मान लो या फिर यू नो मैं क्या कह रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।